हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप जो पीएफ का बैलेंस है वो किस तरह से चेक कर सकते हैं, आपका पीएफ में कितना बैलेंस बचा हुआ है वो आप किस तरह से चेक कर पाएंगे। आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल्स उसके बारे में मिल जाएगी। अगर आप भी चेक करना चाहते हैं अपना पीएफ का बैलेंस, जो आपके कोई यहाँ सर्विस करते हैं तो वहाँ पर आपका जो पीएफ कटता है तो वो कितना जमा हुआ है या फिर पेंशन में कितना जमा हुआ है, तो वो सब आप यहाँ पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं इस वीडियो में आपको वो बोले पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहे, एक भी पार्ट स्किप ना करें, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज्यादा लेट न करते हैं, सीधे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष आर्यन और आप देख रहे टी फॉर टैक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पीएफ का बैलेंस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले कोई एक ब्राउजर खोल लेना है। अपने फोन पे चेक करें तो फोन पे, या फिर अपने पीसी पे चेक करें तो अपने पीसी पे। तो आप यूएएन लॉगिन सर्च करेंगे जैसे ही, तो आपको वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको पासबुक का। आप ये नीचे देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाला वेबसाइट को छोड़ के आप नीचे में सर्च करें, नीचे में देखेंगे पासबुक ईपीएफ इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन, ये वाला वेबसाइट पे आपको जाना है। तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन इन, ईपीएफ, पासबुक और क्लेम स्टेटस। तो यहाँ से आपका जो आईडी है वो यूएएन नंबर जो भी हो डाल दीजिएगा और यहाँ पासवर्ड डाल दीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम आप लॉगिन कर रहे हैं यहाँ पे, आपका यूएएन नया है एकदम, तो उस मामले में आपको अपना यूएएन नंबर एक्टिवेट कराना होगा। तो उसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखा है, आप मेरे चैनल पे विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्टिवेट कर लिया है उसे। तो यहाँ पे हम सिंपली अपना यूएन नंबर डाल रहे हैं, पासवर्ड डाल रहे हैं और यहाँ पे जो आपका कैप्चा है फिल कर लेना है। तो मैं कैप्चा फिल कर लेता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद आप यहाँ से लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका आईडी यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका यूएन नंबर और पैन नंबर, आपका नाम, वो सारा यहाँ डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं सेलेक्ट मेंबर आईडी, यहाँ से आप जितने कंपनी में काम किए हैं आपका वो सारा का अलग अलग मेंबर आईडी होता है, तो वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मेरे केस में यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे दो मेंबर आईडी मुझे दिख रहा है। अगर आपने चार पांच जगह में काम किया तो वो आपको सारा का सारा यहीं पर दिखेगा। तो आपको किस वाले का देखना है, जो आपका ऊपर में है वो आपका लेटेस्ट वाला होता है और जो नीचे में है वो आपका पुराना है। तो जितना नीचे होगा वो उतना पुराना होगा। तो मैं सबसे पहले ऊपर वाला का पासबुक चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ व्यू पासबुक पे जाएंगे और यहाँ से आपका बैलेंस आपको दिख जाएगा। यहाँ पे हर एक साल का अलग अलग दिखता है, लाइक आप देख सकते हैं ये 2021-22 का है। यहीं पे आप क्लिक करेंगे तो 2020-21 का भी आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक इस पे और एक नंबर है, मैं इस पे अगर जाके चेक करता हूँ इसका जो है वो अलग दिखता है। इसमें भी देख सकते हैं ये बहुत पहले से वो काम कर रहे थे इस कंपनी में 2018 से, तो 2018 से इसका, इसमें हर साल का अलग अलग है। आप यहाँ से डाउनलोड पासबुक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ में डाउनलोड करके रख सकते हैं इसे, इन फ्यूचर में हो सकता है आपको जरूरत पड़े। तो इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ अपना पीएफ का अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं कि पीएफ में आपका कितना पैसा है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह का वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। With the